महाराष्ट्र जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इनके नेतृत्व में बड़ी तादाद में युवा वर्ग एवं महिलाओं ने कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भंडारा में करीब शाम को पहुंचे तो शास्त्री चौक पे उनका स्वागत कर वहां से रैली निकालकर गांधी चौक से लाइब्रेरी होते हुए हॉल में पहुंचे। वहां पर उनका कांग्रेस की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इनके नेतृत्व में भंडारा जिले के दूसरे पक्ष छोड़ कांग्रेस पक्ष पर विश्वास कर बड़ी तादाद में महिलाएं युवाओं ने प्रवेश किया। कांग्रेस में पूर्व राज्य मंत्री बंडू सावर बांधी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन पंसभाई, उपाध्यक्ष रमेश पारथी, महिला जिलाध्यक्ष जयश्री बोरकर इत्यादि कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ऐसा है कि संजय राउत शिवसेना पण मूळ प्रश्न है कि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी जी भाषा वापरली, स्त्री शक्तीचा अपमान केला, त्याचा बीजेपी समर्थन करते है ना, त्याच्याबद्दल कोणी काही बोलायला तयार नहीं है। काल नाना पटोलेंनी विरोधी पक्ष नेत्याच्या घरापुढे जाऊन मोदींनी माफी मागावी हे करायला निघालो, मुंबई मध्ये कसा धिंगाणा केला ते मुंबईकरांना जाणवतं ना। आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की त्या आम्ही हिंसेचं किंवा चुकीच्या भाषेचं समर्थन आम्ही कधी करणार नाही, हे जाहीरपणे आम्ही सांगितलेलं आहे। पण आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी मातृत्वावर आणि स्त्री शक्तीवर जो आक्षेप घेतलेला आहे, मनुवादाचा परिचय दिलेला आहे, त्याच्याबद्दलचं भाजप का बोलत नाही हाही सवाल आमचा आहे। पार्टी का प्रोग्राम है, कार्यकर्ता मेला हमेशा लिया जाता है। आज भंडारा शहर में एक माहौल बनते जा रहा है। यह भंडारा शहर में एक बीजेपी की सत्ता थी, दुनिया में महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में एक ही आदमी खासदार और यहाँ का नगराध्यक्ष था। जिस तरीके इस देश इस शहर का विकास होने को होना था, विकास नहीं हुआ, या भकास का काम चला, बहुत बड़े तौर पर या भ्रष्टाचार हुआ और इनके तरफ मतलब इन लोगों ने जो कुछ किया जिससे लोग तरस गए हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस का एक वातावरण बन गया है, माहौल चलने वाला है। आने वाले या नगर परिषद में चुनाव होने वाले वहाँ भी 100% में बोलता हूँ ये कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। BCN न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधालोरे की रिपोर्ट।